अस्सलामुअलैकुम जी, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक रेसिपी के बारे में है जो कि टॉडलर्स के लिए है। बच्चा 1.5 से 3 साल तक का हो तो आप उसको ये दे सकते हैं। ऑब्वियसली 1.5 साल से जो भी एज हो बच्चे की आप उसको दे सकते हैं, बट 1.5 साल से छोटा हो तो फिर ये है कि कुछ चीज़ें शायद डाइजेस्ट करने में उसको प्रॉब्लम हो। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए आपको चाहिए है इसके अंदर शुगर, और शुगर मैं यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ, यानी गुड़ को मैंने क्रश कर लिया था और मैं वो यूज़ करती हूँ अपनी बेटी की चीज़ों में। मैंने चीनी बिल्कुल ख़त्म कर दी हुई है बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी एंड फॉर द एडल्ट्स एज वेल। हम लोग इसके अंदर गुड़ लेंगे, जितना आपके बच्चे को मीठा पसंद है उस हिसाब से। फिर हम 1 कप इसके अंदर लेंगे दूध, आप कोई भी दूध जो आपका बच्चा लेता हो वो आप ले सकते हैं। और फिर आपको चाहिए होंगे ओट्स, वाइट ओट्स। आप ये जल्दी गल जाते हैं तो इस वजह से मैं ये ओट्स ले रही हूँ। आप दूसरे जो ब्राउन वाले होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश कीजिएगा कि ओट्स जो हों वो यानी कि क्रश्ड हों, क्योंकि ये है कि अगर वो क्रश्ड नहीं होंगे तो उनको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये ओट्स जो मैं ले रही हूँ ये क्रश्ड हैं, बाज़ार से आपको इजीली मिल जाती हैं। ये चाहिए आपको। और उसके बाद आपको फ्रूट्स चाहिए। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ और बनानाज़ ले रही हूँ। आप खाली बनानाज़ भी ले सकते हैं, खाली स्ट्रॉबेरीज़ ले सकते हैं, जैसे आपके बच्चे की पसंद हो। और उसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट आपने लेना है। मैं यहाँ पे 2 आलमंड्स लूँगी, बादाम, आप कैश्यू नट्स और पिस्ताशियो जो भी आपके बच्चे को पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 आलमंड्स का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, आपने अब एक पैन ले लेना है, उसके अंदर आपने जो आपका दूध है वो डाल देना है, और 2 बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो आपने ओट्स के डाल देने हैं यहाँ पर। और आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा, जब तक इसके अंदर थोड़ा सा यानी मिल्क के अंदर उबाल नहीं आता तो आपने इसको तब तक के लिए पका लेना है। इसको हिलाते रहना है ताकि वो ये है कि नीचे चिपके ना। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच शक्कर का, जो गुड़ हमने पीसी हुई है वो हमने डाल देनी है। आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं और आप मीठा अपने बच्चे की पसंद के हिसाब से डालें। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, कोई भी लम्प्स गुड़ के नहीं होने चाहिए। और ये है, आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि ये दूध में अच्छे तरीके से मिल जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो 2 बादाम थे उनको मैंने थोड़ा सा काट लिया है। आपका बच्चा अगर ज़्यादा छोटा है, उसके दांत अभी नहीं है, यानी 1.5 साल का है या दांत अभी निकल रहे हैं, तो आप इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ और केले जो कट किए थे वो डाल दिए हैं। इसको मिक्स करना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा पका लेना है। इतना पकाना है कि जो है वो आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और सारी जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे तरीके से उसके साथ मिक्स हो जाएं। अच्छा जी, तो हमने अब अपने मिक्सचर को डिश आउट कर लिया। ये थिक हो गया था और अच्छे से पक गया था। अब आपने इसको हल्का सा ठंडा होने देना है और फिर आपने इसको अपने बेबी को सर्व कर देना है।